सबसे पहले तो आप सबको इंटरनेशनल योगा डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिस प्रकार से पूरी व्यवस्था हुई वो अपने आप में एक बड़ा आश्चर्य है कि किस प्रकार से योगा एक उत्सव में परिवर्तित हो चुका है। और ऐसे ही यहाँ तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी में मैंने अनुभव किया कि सभी बड़ी उमंग में थे, बड़े उत्साह में थे, और टीचर्स से लेके प्रोफेसर्स, प्रिंसिपल, जितने भी स्टाफ हैं यहाँ पर, सभी ने पार्टिसिपेट भी किया, प्रैक्टिस की, प्रश्न उत्तर किए, और बच्चों का भी उत्साह बहुत बढ़ चढ़ कर था। अभ्यास किए, आसन हुए, प्राणायाम हुआ, और यही एक आप एक मान के चलिए एक ऐसा बीज होगा, यदि हम इसका विशेष ध्यान रखेंगे तो भविष्य में बहुत सुंदर फल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। विद्यार्थी के लिए ही योग है, और ये आपके जीवन को नई दिशा देता है। अब जब हम बहुत यंग होते हैं तो बड़ा नेचुरल होता है डिस्ट्रैक्ट हो जाना। एक हमारी अपनी सोच होती है, फिर किसी और की सोच मिलके हमें भ्रमित कर देती है, तो ऐसी स्थिति में कौन हमारी मदद करे? तो उस समय फिर योग आपके काम आता है। तो योग आपको दिशा देगा, आपको स्वस्थ करता है, जिससे आप अपने शरीर का ध्यान रखते हैं, शरीर आपका मजबूत होगा। शरीर यदि स्वस्थ होगा तो मन भी आपका स्वस्थ होगा, फिर जो भी आप काम करते हैं वो बड़े सुंदर फल देता है, बड़ा अच्छा उसका एक कंक्लूजन होता है, रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। तो विद्यार्थी का जो जीवन है उसमें योग यदि हम जोड़ देंगे तो वो योग में विद्यार्थी हो जाएगा, उसका जीवन जो है पूर्ण माना जा सकता है। हमारे जो संस्कृति है उसमें माना जाता है वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी पृथ्वी मेरा घर है। तो ऐसा अनुभव वास्तविकता में कैसे बदलता है, उसके लिए हम योग करते हैं। तो भारत से यदि अगर आप कहें कि कुछ ऐसी चीज़ जो भारत ने ही बनाई या भारत ने दी संसार को, तो उसमें योग आता है। तो एक्चुअल मेड इन इंडिया कोई चीज़ है तो वो है योगा, और पूरा विश्व इसमें पूरी तरह से लीन हो चुका है, पूरी तरह से इसको सेलिब्रेट करता है, और उनका जो लाइफस्टाइल का पार्ट हो चुका है, चाहे वो होम मेकर हों या फिर काम करते हों, एंटरप्रेन्योर हों, योगा अब उनके जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। तो ये भारत की तरफ से मान के चलें कि एक उपहार है पूरे विश्व के लिए, और उपहार बड़ा सुंदर है, इसलिए सब ने इसको दोनों हाथों से स्वीकार किया है। समय हो या हमारे स्टूडेंट की इच्छा हो तो आप हमें समय देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।